बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं चिक पीस वाले चिकन ग्रीन पुलाव बना रहा हूँ। लेट्स कुक चिकन ग्रीन पुलाव विद ग्रीन चिक पीस। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े पतीले में हसबे ज़रूरत ऑयल गरम कर लेंगे। अभी इस ऑयल में थोड़े से गरम मसाले भून लेंगे। यूज़ अब इसमें 3 से 4 अदद प्याज दरमियाने साइज में कटी हुई डाल दिए। अब प्याज की कंडीशन आपको कलर से पता चल रही होगी। इस टाइम पे अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इन प्याजों में ग्रीन चिक पीस बॉइल करके मैंने रखे हुए थे तकरीबन 3 कप के बराबर, वो ऐड कर रहा हूं मैं। व्यूअर्स अभी इसमें मैं 4 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्चें डाल रहा हूं। आप ये मसाले अपने चावलों के हिसाब से हसबे जरूरत डाल सकते हैं। अभी बस इसमें भुना हुआ चिकन जो मैंने पहले रखा हुआ था वो भी डाल दूंगा मैं। 1 किलो चावल के लिए मैंने 1/2 किलो चिकन फ्राई किया था। बस अभी इन तमाम चीजों में मैं 10 से 12 कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड करूंगा। अब इस मसाले में तकरीबन 1 पाव के बराबर दही ऐड कर रहा हूं मैं। दही टमाटर की जगह पे ऐड की है क्योंकि ये ग्रीन पुलाव है इसलिए इसमें टमाटर नहीं जा रहे। इस मसाले में मैंने जो दही ऐड की थी उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें 7 कप पानी मैंने ऐड करना है। अभी मैं इसे ऊपर से ढक के पानी की अच्छी तरह उबलने तक छोड़ दूंगा। बस पानी उबल रहा है, अभी इसमें चावल ऐड कर देने हैं। 1 किलो चावल मैंने आधे से घंटे से 45 मिनट तक पहले भगो के रखे हुए थे। अब इतना पानी खुश्क कर लेना है कि चावल ऊपर नजर आने लग जाएं, उसके बाद इसको दम लगेगा। चावलों का पानी खुश्क हो गया, ये सतह पर आ गए। अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर रहा हूं मैं। साथ में बारीक कटा हुआ पुदीना भी ऊपर से मैं डाल दूंगा। बस अभी इनको मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम लगा रहा हूं मैं। व्यूअर्स तैयार है जबरदस्त किस्म का ग्रीन चिकन पुलाव। बहुत अच्छी रेसिपी बनी है माशाल्लाह। आप रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।